फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज मैं इस ब्लॉग में बनाने जा रही हूँ हैप्पी एनिवर्सरी का कार्ड। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पर्पल पेपर, आप कोई सा भी पेपर यूज कर सकते हैं। सो अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हमें चाहिए पिंक पेपर और फिर हमें उसको साइड से काट लेना है और इसको सर्कल शेप में काट लेना है। अब हमें इसे फ्लावर बनाना है, तो हम कुछ ऐसे शेप का इसको देंगे। आप चाहें तो कोई सा भी शेप का फ्लावर बना सकते हैं। हम यहाँ पर रोज शेप का दे रहे हैं। ये रोज की तरह लगता है। सो अब हमें फेविकॉल चाहिए। फोल्ड कर देंगे। अब हमें लास्ट में फेविकॉल लगाना है, इसको पेस्ट कर देना है और इसको होल्ड करे रहने जब तक कि ये सूख ना जाए। यहाँ पर हमने बहुत सारे फ्लावर्स बना लिए हैं। अब हमें ये जो पर्पल कार्ड था इसके ऊपर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं विद ग्लू। सो अब हमें फ्लावर्स पेस्ट करने हैं। फ्लावर्स का सर्कल बन गया है और यहाँ पर बचे हुए फ्लावर्स थे, हम उसको बीच में पेस्ट कर लेते हैं। हमें एक वाइट पेपर चाहिए और इसकी स्ट्रिप हमने काट ली है। अब हम उसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे और अब हम ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे इसे। वन ड्रॉप हम यहाँ पे लगाएंगे इसे पेस्ट। हमारा ये रेडी है। अब हमें इसको नीचे से कट करना है डिजाइन देने के लिए। इस तरफ भी ऐसे ही करना है। और ये लास्ट वन। तो यहाँ पे हमारा रेडी है। इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ स्केच कलर्स, ताकि ये थोड़ा हाईलाइट हो जाए और अच्छा लगे। अब नेक्स्ट साइड भी हमें ऐसे ही कर देंगे। ये रेडी है।
देख सकते हो ये रेडी हो गया है। अब हमें बीच में आप स्टोन भी लगा सकते हो। फ्रेंड्स हमें यहाँ पर मोती से चिपकाना है, लेकिन मेरे को मोती मन नहीं था, इसलिए हमने यहाँ से पेपर लिया है और उसको सर्कल कट करके बीच में पेस्ट कर देंगे। हमारा रेडी है, फेविकॉल से पेस्ट किया है स्टार्टिंग से का। अब हम यहाँ पर फेविकॉल से पेस्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कॉर्नर पे पेस्ट किया है। फ्रेंड्स अगर आपको और भी अमेजिंग कार्ड्स की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसमें हमने कलर कर दिया है। आप चाहें तो स्केच या वाटर पेंट भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह कट कर लेंगे। अब मैंने इसे कट कर लिया है, तो अगर हम इसको इस पे पेस्ट करेंगे तो ये कम ब्राइट करेगा। तो इसे ब्राइट करने के लिए हमने लिया है यहाँ पे वाइट पेपर, उसके ऊपर हमें इसे पेस्ट करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे इस पे। अब मैंने पिंक पेपर से फ्लावर काटा है। अब हमें क्या करना है तो यहाँ के जो फ्लावर्स हैं और यहाँ का जो पैटर्न है, इन दोनों को ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये पैटर्न फोल्ड हो गया था, इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। अब हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, व्हाइट पेपर का इसको काट के अब हमें इसके ऊपर पेस्ट करना है। हमें लिया है एक पेपर, अब इसको हमें फोल्ड करना है। यहाँ पे मैंने फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसके ऊपर ऐसे करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको थ्री साइड से ऐसे करके फोल्ड कर देना है जैसे कि मैं कर रही हूं। उसके बाद बीच में यहाँ पे एक होल कर देना है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। फिर हमें इसको ओपन करना है। उसके बाद जो बीच वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे मैंने एक लेस चिपका दी है वाइट कलर की। इसको इस तरीके से हमें बंद फेविकॉल लगा लिया है। अब हमें इसके ऊपर पेस्ट करना है। और फ्रेंड्स बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप इसको खोलेंगे, इसके आज का वीडियो इसके बैक साइड पे मैंने किया फेविकॉल से इसको पेस्ट। आप देख सकते हो कि ये जो मैंने ड्रॉ किया था, अब हमें इसको इस तरफ हमें पेस्ट कर देना है।
फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।